केंद्र सरकार फिर देगी तोहफा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में होने वाला है इजाफा। महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है और सरकार हर 6 महीने में इसमें इजाफा करती है। इस साल की पहली छमाई के लिए कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई। महंगाई भत्ते पर सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। इस साल मार्च में केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसको देखते हुए जुलाई के महीने में अगली डीए बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा सकती है। केंद्र सरकार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगात लाने वाली है। अगले कुछ महीनों में एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। देखा जाए तो सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी की। अब खबर यह है कि सरकार इस साल की दूसरी छमाई के लिए भी डीए में 4% बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने जनवरी से जुलाई 2023 की पहली छमाई के लिए डीए और डीआर में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जुलाई में 4% डीए बढ़ा सकती है। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% पर पहुंच जाएगा। अब आपको बता दें कि किस आधार पर यह तय होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा लेबर ब्यूरो अखिल भारतीय यानी CPIIW के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल 42% के हिसाब से डीए मिल रहा है। कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ता मिलता है। इसका कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर किया जाता है। तो वहीं दूसरी छमाई के लिए डीए में बढ़ोतरी की मंजूरी सरकार सितंबर या अक्टूबर में देती है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार अगस्त में घोषणा की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी होती है। पहली छमाई के लिए डीए में 4% का इजाफा हुआ है। जाहिर है कि डीए सरकार कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के मुताबिक वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 42% है। इसे अगले संशोधन में बढ़ाकर 45% तक किया जा सकता है। वहीं इससे पहले ये दर 38% थी। मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 में पहले के महीनों के लिए AICPIIW डेटा जारी करने के बाद जुलाई की अपेक्षा DADR दर जारी की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।